नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर से आप सबका। राजस्थान में कल से बंद रहेंगे 7,000 पेट्रोल पंप। कल से यानी 15 सितंबर से ये पेट्रोल पंप जो है बंद रहने वाले हैं। हड़ताल के दूसरे दिन नहीं बनी सहमति, सुबह 6 बजे से अनिश्चितकालीन रहेगी हड़ताल। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा जो है पेट्रोल और डीजल की पर जो है अधिक वेट लगाए जाने के कारण वेट को कम करने को लेकर ये जो है सांकेतिक हड़ताल 13 और 14 सितंबर को रखी गई थी। लेकिन इसके बाद भी सरकार और पेट्रोल पंप संचालकों के बीच में सहमति नहीं होने के कारण इसे जो है 15 सितंबर से इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या है पूरा अपडेट, चलिए जान लेते हैं फटाफट से। राजस्थान में शुक्रवार सुबह 6 बजे से प्रदेश के 7,000 पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। 15 सितंबर शुक्रवार सुबह 6 बजे से 7,000 करीब जो राजस्थान के पेट्रोल पंप हैं वो बंद हो जाएंगे। पेट्रोल पंप संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, यानी कि ये जो हड़ताल रहने वाली है ये अनिश्चितकालीन समय के लिए है। यानी ये कोई फिक्स नहीं है कि कब तक ये हड़ताल जो है रहने वाली है। 13 और 14 सितंबर को 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल के बाद सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से गुरुवार शाम को एक बैठक में ये निर्णय लिया गया है। यानी कि सांकेतिक हड़ताल जो 13 और 14 सितंबर को रखी गई थी उसमें किसी तरह का कोई निर्णय नहीं होने की वजह से गुरुवार शाम को ये बैठक होने के बाद ही जो है इसे आगे बढ़ाया जा रहा है जो अनिश्चितकालीन है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी और महासचिव शशांक कोरानी ने बताया कि प्रदेश के किसी भी पंप पर न तो बिक्री रहेगी और न ही डिपो से किसी तरह से माल खरीदा जाएगा। दरअसल एसोसिएशन की ओर से वेट दरों को कम करने की मांग को लेकर 2 दिन तक सांकेतिक हड़ताल जो है रखी गई थी। साथ में ये चेतावनी भी दी थी कि यदि 14 सितंबर तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे अगले दिन यानी 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। यानी 15 सितंबर से ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल रखी जाएगी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस सांकेतिक हड़ताल के बाद भी सरकार ने हठधर्मिता बनाए रखी और कोई सकारात्मक रुख अगर नहीं अपनाया ऐसे में ये निर्णय लिया गया है। यानी इस निर्णय को लेने का कारण जो है सरकार द्वारा किसी तरह की कोई बात नहीं करने को लेकर हुआ है। हालांकि जैसलमेर और अलवर में हड़ताल का असर नहीं होने से एसोसिएशन में फूट भी सामने आई है। इसके अलावा जोधपुर में भी कुछ पेट्रोल पंप जो हैं काम कर रहे थे, पेट्रोल डीजल का वितरण कर रहे थे। जोधपुर में भी रामदेवरा जातरों के लिए जो है पेट्रोल पंप शुरू किए गए, पेट्रोल डीजल का वितरण किया गया। जोधपुर समेत अलवर और जैसलमेर में भी पेट्रोल डीजल मिल रहा है। जोधपुर के पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि इन दिनों रामदेवरा जाने वाले जातरों की काफ़ी भीड़ रही है। शहर के मेडिकल कॉलेज और 12वीं रोड स्थित पेट्रोल पंप पर संचालकों का ये कहना है कि ये जातरू बाइक से लंबी दूरी तय करके यहाँ पहुँच रहे हैं और जब पेट्रोल इनको नहीं मिलता है तो उन्हें बड़ी परेशानी होती है, इसलिए इन जातरों को मना नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी जो है पेट्रोल दिया जा रहा है। जो इमरजेंसी में लोग यहाँ आ रहे हैं उन सभी को जो है पेट्रोल का वितरण किया जा रहा है। राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल जो है इसकी बात करें तो श्री गंगानगर में जो है सबसे महंगा 113.49 पैसे पर लीटर पेट्रोल बिक रहा है। वहीं डीजल की बात करें तो 98.24 पैसे पर लीटर है। इसके अलावा राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग रेट्स जो हैं पेट्रोल और डीजल के देखे जा सकते हैं, जिसमें सबसे महंगा श्री गंगानगर में ही है। बाकी सभी में जो है पेट्रोल और डीजल की रेट्स लगभग सेम से हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों में अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करें तो पंजाब में पेट्रोल 96.96 पैसे पर लीटर है, वहीं डीजल 87.29 पैसे पर लीटर। हरियाणा में 97.18 पैसे पर लीटर पेट्रोल है, वहीं 90.05 पैसे पर लीटर डीजल है। यूपी की बात करें तो यूपी में पेट्रोल 96.35 पैसे पर लीटर, वहीं डीजल 89.52 पैसे पर लीटर। गुजरात में पेट्रोल 96.42 पैसे पर लीटर, वहीं डीजल 92.17 पैसे पर लीटर। दिल्ली में 96.72 पैसे पर लीटर पेट्रोल है तो डीजल 89.62 पैसे पर लीटर बिक रहा है। ये कीमतें जो हैं लीटर पर लीटर के हिसाब से हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा वेट की अगर राजस्थान में बात करें तो पेट्रोल और डीजल पर राजस्थान में सबसे अधिक वेट है पेट्रोल पर 31.4 पैसे पर लीटर के हिसाब से, वहीं डीजल पर 19.30 पैसे पर लीटर वेट जो है राजस्थान सरकार द्वारा लगाया जा रहा है।
इसमें एमपी में पेट्रोल पर 29% वेट है और डीजल पर 19%। पंजाब में भी जो है लगभग 14% वेट है पेट्रोल के ऊपर और डीजल पर 9.92 पैसे पर लीटर है। वहीं हरियाणा में जो पेट्रोल पर लगभग 19% है और डीजल पर जो है 16% वेट है। यूपी में पेट्रोल पर 19.36% वेट है तो डीजल पर 17.8%। गुजरात में 13.70% पेट्रोल पर, 14.90% डीजल पर है। दिल्ली में पेट्रोल पर 19.40% तो वहीं डीजल पर 16.75% वेट जो है लिया जा रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेट जो है राजस्थान के अंदर ही है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। तो इसी को कम करने को लेकर जो है ये जो हड़ताल है ये रखी गई है। आगे देखने पर पता चलेगा कि कब तक जो सरकार है इस बात को मानती है या कब जाकर के ये जो हड़ताल है पूरी होगी, ताकि आम लोगों को जो है परेशानी नहीं उठानी पड़े। इस तरह का नया अपडेट था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।